हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा सा नहीं खाया था तो मन कर रहा था कुछ चलो अच्छा सा खाया जाए, तो सोचा कि चलिए आज शाही पनीर बनाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा जिंजर है, टमाटर, ये गार्लिक, इनको रफली चॉप कर लिया है, ये थोड़े से कैसू पनीर और ये है कसूरी मेथी। एक गिलास दूध लिया है और ये घर की मलाई है। तो पहले गैस पे पैन चढ़ा देंगे। हमने ये सरसों का तेल लिया है, हम यही यूज करते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम गार्लिक, जिंजर जो हमने ये रफली चॉप्ड किए थे। देन अब ये सारे हम ऑनियंस डाल देंगे इसमें और इसको स्टेयर करते रहेंगे। देन देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग गए। देन हम अब इसमें डालेंगे टमाटो, इसमें हम साल्ट ऐड कर देंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। को लिड बंद करके 5 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट हो गए, ये तेल भी छोड़ने लग गए। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, पहले इनको ठंडा होने देंगे, गरम गरम नहीं डालना है। 5 मिनट हो गई थी इनको ठंडा हुए। ज़्यादा हो रहा है, एक साथ आएगा नहीं, इसको हम दो बार में पीसेंगे। एकदम से इसका एकदम से फाइन पेस्ट बना लेंगे। देन फिर थोड़ा सा ऑयल और लेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं होगा, बस थोड़ा सा ही चाहिए। इसमें हम तेल गरम हो गया, जीरा डाल देंगे इसमें। तेज पत्ता ले लिए, और ज़्यादा खड़े मसाले की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही गरम मसाला इसमें मिक्स कर दिया है। अब इस पेस्ट को डाल देंगे। अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। देखिए ये भी तेल छोड़ना चाह रहा। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ा हल्दी पाउडर मुझे कम लग रहा था, मैंने और थोड़ा सा डाल दिया। देखिए हमने काजू को थोड़ा सा 10 मिनट पहले फुलाने रख दिया था, फूलने से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका पेस्ट भी बढ़िया बन जाता है। और तो एक साथ नहीं चलाएं इसको, थोड़ा पानी डाल डाल के रुक रुक के थोड़ा सा इसको ग्राइंड करना है। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। बराबर इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें दूध ऐड कर देंगे, ये फुल क्रीम दूध है। देन अब इसमें करेंगे हम मलाई, 1 चम्मच हमने मलाई ऐड कर दी। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये जो काजू का पेस्ट में से बचा था उसके में पानी डाल के इसको थोड़ा सा और डाल देंगे। इसमें थोड़ा थिक था, थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। देन अभी हमने 1 चम्मच इसमें शुगर डाल दिए, शुगर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है।
अब इसको 5 मिनट बस ऐसे ही पकने देंगे। देखिए सब्जी एकदम बन के रेडी है। और लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट, इसकी खुशबू और इसको डेकोरेशन से भी ये अच्छी लग रही है देखने में। ये देखिए हमारी सब्जी एकदम बन के रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।